नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में रहते हैं और उसी दिन कुछ घंटे के आगे पीछे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह सर, वो यूएस में रहते हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से रशिया और यूक्रेन के वॉर को रोका जा सके, और जहां तक बात किया जाए हमारे राजनाथ सिंह सर के बारे में, तो वो यूएस में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से मिलते हैं और अग्रीमेंट पे साइन करते हैं। अगर आप सिर्फ यही दो एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत रशिया से दूर जा रहा, लेकिन एक बात बता दूं कि ये वो स्टेप है जो बता रहा कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट हो रहा, और किसी भी तरीके से हम सिर्फ एक या दो देशों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। और जहां तक बात किया जाए भारत के और रशिया के बीच में संबंध के बारे में, तो रशिया हमारे लिए कल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रशिया हमारे लिए आज भी इंपॉर्टेंट है, और रशिया हमारे लिए आने वाले कई दशकों तक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में राजनाथ सिंह सर यूएस क्यों जाते हैं। तो यूएस जाने के पीछे का वजह था कि भारत और यूएस एक अग्रीमेंट के ऊपर साइन करता है, और उस अग्रीमेंट का नाम है सोसा। सोसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? तो वॉर के टाइम में जो सबसे एसेंशियल चीज़ होता है वो ये होता है कि आपके पास कॉन्टिन्यूस एम्यूनेशंस होना चाहिए। जब मैं एम्यूनेशंस कह रहा हूँ तो ये डिपेंड करता है वॉर पे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। किसी भी तरीके से अगर 4 या 5 दिनों के लिए भी अगर आपके पास सफिशियंट हथियार ना रहे तो वो काफ़ी इनफ होता है आपके लिए या किसी भी देश के लिए कि वो देश वहाँ से हार जाए। और फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन बढ़ा हुआ है, इसको देख के हर देश कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा कि वो अपना डिफेंस को और भी मजबूत करें। और मैंने अपने और भी सारे वीडियोस में कहा था, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ के समझ पाया हूँ और साथ में जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, वो यही कहते हैं कि यूएस अगर किसी भी देश के साथ अगर अपने नज़दीकी को बढ़ाता है तो वो जो डिफेंस पैक्ट है उसको भी उस देश के साथ साइन करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर यूएस हमारे साथ किसी भी तरीके से डिफेंस अग्रीमेंट में आता है, चाहे वो डिफेंस अग्रीमेंट बड़ा हो या छोटा हो, ये बता रहा कि यूएस भारत के क्लोज आ रहा। यहाँ पे एक लाइन में और भी ऐड कर दूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है या ये मानना है कि अगर यूएस आपके बहुत नज़दीक आ रहा तब भी आपको सतर्क हो जाना है, और अगर यूएस आपसे बहुत दूर जा रहा तब भी आपको सतर्क हो जाना है। और जहाँ तक बात किया जाए कि आखिर में ये सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अग्रीमेंट साइन करने का रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ा, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर आपका देश किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में सबसे टॉप पे है तभी भी आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, और जब आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है तो आप कोशिश करते हैं कि जो रॉ मटेरियल का जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट है उसको किसी भी तरीके से सिक्योर किया जाए। तो यही कुछ जो मंशा है वो भारत का भी है और साथ में यूएस का भी है, जहाँ पे स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह हैं या उसको बनाने के लिए जो सामान चाहिए होगा उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेंगे, ताकि जो देशों का जो यानी कि जो भारत और यूएस का जो डिफेंस है उसको किसी भी तरीके से खतरा ना पहुंचे। और इस अग्रीमेंट में एक और चीज़ जो सबसे अच्छा हमें देखने को मिला है वो ये है कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए या किसी भी तरीके से इस प्रोसेस में कहीं से कोई रुकावट ना पहुंचे, यूएस भी एक स्पेशल ऑफिसर को असाइन किया है और भारत भी एक स्पेशल ऑफिसर को असाइन किया है। इसका मतलब क्या है कि यूएस के पास एक ग्रुप है जो ये इंश्योर करेगा कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अगर किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है तो यूएस उसको सामान भेजेगा, और किसी भी तरीके से अगर भारत का कोई कंपनी अगर ये अग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्वॉल्वमेंट से किया है कि हमें यूएस को सामान भेजना है, तो यहाँ पे भी एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप को जो लीड करेगा एक एक ऑफिसर लीड करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरीके से अगर प्रोसेस अगर जल्दी नहीं होता है तो उन दोनों ऑफिसर्स का ये ड्यूटी रहेगा कि वो किसी भी तरीके से उस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी इनिशिएट करें। और 23 तारीख को जब हमारे राजनाथ सिंह सर यूएस पहुंचते हैं तो वो 4 दिनों के ऑफिशियल विजिट पे पहुंचते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी देश के हाई रैंकिंग लीडर्स या ऑफिशियल्स जब विजिट करते हैं तो उस विजिट का एक अपना ही इम्पोर्टेंस होता है,
और अगर वो विज़िट 4 या 5 दिन का हो, तब भी यहाँ से हमें एक चीज़ जो समझ में आता है वो ये है कि उस विज़िट का जो इम्पोर्टेंस है वो जो विज़िटर देश है उसके लिए भी है और जो देश उसको होस्ट कर रहा उसके लिए भी है। यहाँ पे हम बहुत ही आसान शब्दों में ये समझ लें कि इस विज़िट का जितना इम्पोर्टेंस भारत के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंस US के लिए भी है। अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है, वो ये है कि क्या ये जो अग्रीमेंट किया गया ये भारत के साथ ही सिर्फ किया गया है? तो देखिए ऐसा नहीं है, भारत 18th कंट्री है। इसके पहले 17 और कंट्रीज़ के साथ US इस अग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जिसमें जापान भी है, इज़राइल भी है, UK भी है। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि एक्सेप्ट इंडिया और भी जो इसमें 17 कंट्रीज़ हैं उनका जो रिलेशन आप देखेंगे तो वो US के साथ काफ़ी क्लोज है। भारत का रिलेशन बीते कुछ सालों में US के साथ अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी जो भारत को देखा जाता है वो इस तरीके से ही देखा जाता है कि भारत रशिया के काफ़ी क्लोज है, जो कि बहुत हद तक सही भी है क्योंकि रशिया हमारा ट्रस्टेड अलाय है। और जहाँ तक बात किया जाए US के बारे में तो हमारी नज़दीकी बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, लेकिन फिर भी हम US को उतना या US के ऊपर हम उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए जितना हम रशिया के ऊपर करते हैं। अगर हम खास करके बात कर ले ड्रोन के बारे में तो बीते 10 सालों में जो ड्रोन का इम्पोर्टेंस है वो बढ़ चढ़कर हमारे सामने आया और ड्रोन के ऊपर बढ़ चढ़कर पॉसिबली सभी देश अपने अपने हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ड्रोन एज एन होल वो कॉम्पोनेंट है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स मिल के वो एक ड्रोन कम्प्लीट बनता है। तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि कुछ पार्ट्स को आपको कहीं और से मंगाना होता है, कुछ पार्ट्स को कहीं और से मंगाना होता है। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि कोई देश काफ़ी अच्छे तरीके से किसी एक या दो कॉम्पोनेंट को बनाता है जो कि मार्केट में शायद उस कैपेबिलिटीज़ का अवेलेबल ना हो। इसी के तहत ये किया गया है कि US भी अपने कुछ कंपनीज़ को कह ले कि ऑफिशियली ये कहा है कि आप हमारे रिक्वेस्ट पे इंडिया को ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे आप सामान भेजेंगे। और कुछ इसी तरीके से भारत के द्वारा भी कुछ जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आप भी हमारे रिक्वेस्ट पे जब भी बात US की रहेगी तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पे US को सामान डिलीवर करेंगे। कहने का मतलब है कि ये अ काइंड ऑफ अश्योरेंस है, US के द्वारा भी दिया गया है और भारत के द्वारा भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हमें गौर करनी चाहिए वो ये है कि ये किसी भी तरीके से लीगली बाइंडेड नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ अगर लीगली बाइंडेड होता है तो उसके ऊपर आप पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अग्रीमेंट अच्छा तो है लेकिन अगर US या भारत अगर किसी भी कारण से अगर अपने आप को पीछे कर लेता है या डिसीजन नहीं लेता है टाइम पे, तो किसी भी तरीके से ना तो US इंडिया को चार्ज कर सकता है यानी कि फ़ाइन चार्ज कर सकता है, ना ही तो भारत US को फ़ाइन चार्ज कर सकता है। तो जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो यही है कि ये अग्रीमेंट अच्छा है लेकिन इसको लेके हमें बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ वैसे ही हम समझ ले कि हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं लेकिन उसके पहले हमें कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ता है। तो मोर और लेस अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप समझ लें कि ये एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने का एक ये छोटा स्टेप है। और जब मैं छोटा कह रहा हूं तो इसको कभी भी आप छोटा मत समझिएगा इन लिटरल सेंस। ये एक ही टाइम पे US के साथ भी अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने का एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी इंश्योर किया कि किसी भी तरीके से हम रशिया को भी नाराज ना करें। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।